तो दोस्तों हम लोग गंडोलों से उतर गए अभी, एंड आप देख सकते हैं इसको गंडोला बोलते हैं। उतरेंगे, लेवल वन है, यहाँ पर आप घोड़े पे भी सवारी कर सकते हो। ठीक है, मेरा मत घोड़े के। ये देख सकते हैं आप, इधर पे ओपन गंडोला भी है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की लगता है। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या भाई? आपको इंटरव्यू देना। हमारा नाम गुलाब कैदर चौपान सर। वाह, कहाँ के रहने वाले हैं? हम टंगवर नीचे, हमारे गांव का नाम है। वाह, बनगाम। बनगाम, हाँ। यहाँ पर आप चराते हैं बकरे? हाँ, हम तो एक किस्म का मजदूरी करता है जी, गांव वालों का, वो भेड़ पालता। अच्छा। है कितना भेड़ है आपके पास? वो ये हमारा 550। वाह, तो हमको यहाँ चराएगा, मजदूरी करेगा, ऐसी बात। ये कुत्ते भी सपोर्ट में? हाँ, कुत्ता भी सपोर्ट दे रात में करेगा। यहाँ से बेचते भी हैं आप लोग? ना, कुत्ता बेचता नहीं, नहीं, बकरे। बकरी ना, हमको बोला बता सेठ गांव वालों का। okay. हम मजदूरी करता है, मजदूरी करता है। बारिश पानी बर्फ सब टाइम पे? हाँ, ये तो बारिश पानी होती है तो उसको बर्फ बर्फ अगर आएगा उसको मिलता है। थोड़ा तो दिखाते हम लोग, है ना? आ जाओ, आ जाओ आप। तो दोस्तों कश्मीर की ये नस्ल माशाल्लाह ग्रेजिंग करके बच्चे देके छोटे छोटे बिलाई थी, सिंग आ चुकी है इसको। चाचा, ये 2 महीने का बच्चा होगा आई थिंक। ये बच्चे का पालन मत, पकर में नहीं आते, बहुत फास्ट होते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत सारे हैं उस तरफ। वाह, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो ये कश्मीर की नस्ल है, ये देखें जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पैरों पे मूंछ आ जाती है कभी कभी। आइए मैं आपको क्लोज व्यू दूंगा। तो दोस्तों कश्मीर का सफ़र अच्छा चल रहा है, बेसिकली जो टूरिस्टिक जगह हैं वो देख रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ अगर कुछ बकरों के रिलेटेड भी होगा तो आप तक बताएंगे। ये शेपर्ड्स का हौसला है पहाड़ों के ऊपर। आप विलायती कह लो, मरीनो भी कुछ हैं। ज़्यादा कलर तो वाइट ही है, कुछ के ब्लैक भी हैं। बकरा ही धोखे गई है, इसके लिए बड़े मेंढे नहीं दिखेंगे आपको। ये शानदार क्वालिटी है, ये मार्बल सिंह है। शानदार क्वालिटी, नंबर वन। ये फीमेल भी देखें सिंह वाली, ये ब्लैक एंड वाइट बच्चा। ये बड़े मेंढे थे, रुक जाओ।
जाओ भाजी भाई। सब आ रहे हैं। ऐसा सीन काफी कम ही देखने मिलेगा आपको। ब्रीडर क्वालिटी काफी मस्त क्वालिटी है। वाह छोड़ो छोड़ो वाह। ये भी पालते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हजरत आप? मज़ा आ गया मिलके, देख के क्या जानवर हैं, शानदार बकरे, शानदार है पेड़, शानदार। तो बकरा ईद में भी बहुत बिके होंगे ना? बिके होंगे। बड़ी सिंह का जो पकड़े थे भाई ने अभी, ठीक, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ये बिकते हैं यहाँ से, है ना? बहुत ही शानदार है। बर्फ के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है फिर? बर्फ जब आती है गिरती है तो मेंढो मेंढे रहते हैं यहाँ पर, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, नहीं। खाना पीना मिल जाता है इनको? मिल जाता है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या सर? अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा भाई, शुक्रिया। सो दोस्तों, यंग शेपर्ड से मिलाते हैं, काफ़ी कम देखने मिलते हैं यंग शेपर्ड। देखें आप मोबाइल के साथ में माशाल्लाह नए जमाने के। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम, आपका नाम क्या सर? शाहिद। शाहिद भाई, क्योंकि ये काम में मेहनत बहुत है, आजकल के यंगस्टर ये करना नहीं चाहते, आप कह रहे, इसकी क्या वजह? घर में गरीबी है इसलिए पाले। माशा, चलिए आप मेहनत कर, अल्लाह इसका सिला देगा और गरीबी दूर होगी। आपकी मेहनत काबिले तारीफ है शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। तो आप दिन भर यही काम करते हैं? हाँ, यही काम। और मोबाइल भी यूज़ करते हैं माशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन से मेंढे छोड़, तो दोस्तों एक कश्मीर का नज़ारा है, बहुत मज़ा आ गया। तो दोस्तों, गाजी भाई की मेहनत से एक और आया हाथ में बच्चा, एक डेढ़ महीने का बच्चा होगा, नायाब है। वाह माशाल्लाह, छोड़ दो गाजी भाई। देखें इनके पास एम्पल ग्रीन ग्रास है अभी, क्योंकि ये यहाँ का समर सीजन है कश्मीर का। ये अच्छे से सस्टेन कर लेते हैं मौसम, ज़्यादा बड़े वूल होते हैं माशाल्लाह। ये नज़ारा बहुत अच्छा है, पर थका देने वाला है। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं टूरिस्टिक पॉइंट से भी, तो आपको हर जगह मिल जाएंगे और मज़ा आता है देखने। ये दिखाने का मकसद है, ग्रेजिंग मुझे पसंद है, शायद आप लोगों में से भी बहुत जन को पसंद होगी। ग्रेजिंग के जानवरों की बात ही अलग होती है, वो खुद अपना खाना ढूंढते हैं, खाते हैं, अंधेरीली इंजॉय। देखें शाहिद भाई भगा रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग स्टाइल होते हैं। देखें ये ब्रीडर की क्वालिटी, देखें मरीनो ब्रीडर, नायाब ब्रीडरों में से। मैं इंशाल्लाह, मेरी आनी है जो अभी ट्रिप, तो अभी स्टार्ट ही हुई है बेसिकली, और भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा आपको। और ये बेचने ख़रीदने के मकसद से वीडियो नहीं बन रहे,
क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग श्रीनगर से भी काफ़ी आगे हैं और बहुत ही एक हेक्टिक सफ़र होता है इनके लिए। फिर भी अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो आ सकता है यहाँ पर। ये जो होते हैं नोमैड ट्राइब्स होते हैं ना, एक जगह रुकते नहीं हैं, आज यहाँ है तो कल जम्मू है, मतलब बर्फ़ है अगर तो नीचे उतर जाते हैं। माशाल्लाह इंडिया में इतनी खूबसूरती, इतनी ग्रीनरी और साथ में ऐसी शीप ब्रीड। बहुत ही अच्छा ब्रीडर क्वालिटी है दोस्तों। एक आ रहा है पीछे, ये देखें, ये एक और इसके पीछे एक है जिसकी आंख पे कजला टाइप है ब्राउन में। ये सीज़न को एंजॉय करते हैं क्योंकि समर सीज़न में इनको ग्रास ज़्यादा मिल जाती है यहाँ पर। देखें आप, बहुत ही नायाब बच्चा है, वाइट विद ब्राउन पैचेस, सिंग वाला। फीमेल्स को, बहुत फीमेल्स को सिंग है यहाँ पर। वाह, कुदरत का करिश्मा। ये भी बहुत अच्छा कलर है। नायाब क्वालिटी है, दांत देख सकते हो एक बार आप। अदन बच्चा ही है वैसे तो, अदन तो आज चेहरा दिखाता हूँ एक मिनट। फुल गुलाबी, क्या कान है, कनोटी कान, वाह। देखो छोटा पापा, चलो 1 2 3 छोड़ो, पूरा टेडी बेयर है। आप देखें कि मतलब ग्रेजिंग पे भी कितने अच्छे मोटे ताज़े हो जाते हैं जानवर, ये अपने हिसाब से खाते हैं, जो खाना होता है वो खाते हैं। अनबिलीवेबल, ये सब अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। इतनी खूबसूरती अल्लाह ने इन जानवरों को दी है। इतनी छोटा बच्चा है दोस्तों, खा रहा है।
सो दोस्तों ये एक वीडियो था, होपफुली मेरे को तो मज़ा आया, आपको भी आया होगा। चलते चलते और भी ऐसा कुछ दिखेगा तो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। मैं फैमिली ट्रिप पे हूँ कश्मीर की, काफ़ी मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप लोग तो अपना ख्याल रखें। ये देखें आप।